विजय मैथ्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्जांपल है इफ 22 द पावर ऑफ एक्स प्लस 343 टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 63 टू द पावर ऑफ एक्स प्लस ऑफ 147 टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 37 डिवाइडेड बाय 21। ये गिवन है, इसका वैल्यू इसने दिया है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके, सॉल्यूशन यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27, 343, 63, 147 इसका वैल्यू क्या होता है हमें यहाँ पर देखेंगे। 27 दिस इक्वल्स 3 × 3 × 3। ओके, मीन्स 27 इक्वल्स 3³। ओके, ये हो गया एक। नेक्स्ट 343 देखो, 343 इज इक्वल्स ये क्या बनता है, 7³, 7 × 7 × 7 दिस मीन्स 343 इज इक्वल्स टू 7³। ये दूसरा बना, ठीक है। नेक्स्ट 63 क्या बनता है, 63 इज इक्वल्स टू 9 × 3। ओके, 9 मीन्स 3² × 3, 63 इक्वल्स। ओके, और लास्ट में 147 इज इक्वल्स 3 × 49, दिस इक्वल्स 3 × 7² 147 का वैल्यू। तो हमें चारों का वैल्यू हमें मिला है, 2 to the power 7 मीन्स सॉरी 27 to the power 7, 27 इसका वैल्यू, 20 power 7 है, 27 का वैल्यू, 27 का वैल्यू है 3³, और 343 का वैल्यू है 7³, 63 का वैल्यू मिला है हमें 3² × 7 आता है इधर 9 मतलब थोड़ा 7। ओके ठीक है, 63 का वैल्यू है 3² × 7 यानी 9 × 7 में 63, और इसका 3 × 49 में 7² ये 47 का वैल्यू है। तो यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर मिला है वो पुट कर दो, तो 27 मीन्स 3³। तो पहले हम 3³ रखेंगे, ऊपर का जो पावर एक्स है एज वेल रख लो, प्लस ऑफ 343 की जगह में हम 7³ रखेंगे, ऊपर का पावर एज वेल होल डिवाइडेड बाय 63 × x है, 63 टू द पावर एक्स है, 63 टू द पावर ऑफ मीन्स 3² × 7 लिखेंगे पहले, 3² × 7 होल टू द पावर एक्स। ओके, प्लस ऑफ 147 मीन्स 3 × 7² होल टू द पावर ऑफ एक्स, दिस इक्वल्स 37 डिवाइडेड बाय 21। ओके, ये अगर ये क्या, ये प्रोडक्ट रूल पावर रूल यूज किया ऊपर, तो ये बन रहे 3 to the power of 3x प्लस ऑफ 7 to the power of 3x डिवाइडेड बाय, ये क्या बन रहे 3 to the power of 2 × 7 डिवाइड होल टू द पावर ऑफ एक्स एज वेल रख लो, डिवाइड प्लस 3 × 7 to the power of 2² एज वेल रख लो, तो इधर 37 डिवाइडेड बाय 21 एज वेल, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 3 to the power of 3x मीन्स ये फॉर टाइप 3 to the power of m, ए टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n अगर रहा तो ए टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ m भी बनते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, ये ऊपर का 3 to the power of x होल टू द पावर ऑफ 3 लिख सकते हैं। ओके, और 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 to the power of x होल टू द पावर ऑफ 3 लिख सकते हैं होल डिवाइडेड बाय, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 to the power of 2 सेपरेट कर दो एक्स इंटू 7 to the power of x एज वेल प्लस ऑफ 3 to the power of x इंटू 7 to the power of 2 होल टू द पावर ऑफ एक्स एज वेल, दिस इक्वल्स 37 डिवाइडेड बाय 21। ओके, तो यहां पर क्या कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गई है, ये ऊपर क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला,
a plus b times a square minus a into b plus b square. ओके यहाँ पर ये क्या बन रहे, ये मीन्स 3 to the power of x बन रहे और b का वैल्यू क्या बन रहे, 7 to the power of x. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रखा इसका वैल्यू इसके हिसाब से, तो a प्लस बी मीन्स ए क्यूब 3 to the power of x प्लस 7 to the power of x बनी गई है. 3 to the power of x प्लस 7 to the power of x टाइम्स स्क्वायर मीन्स 3 to the power of x होल स्क्वायर, ब्रैकेट बड़ा करेंगे इसको, माइनस ए मीन्स 3 to the power of x इंटू बी मीन्स 7 to the power of x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 7 to the power of x होल स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ए एज यूजुअल 3 to the power of 2x इंटू 7 to the power of x प्लस ऑफ 3 to the power of x इंटू 7 to the power of 2x. ठीक है, तो यहां पर आइए, अभी ये 3 to the power of 2x इंटू सब, अभी देखो 3 to the power of 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 to the power of x इंटू 3 to the power of x लिख सकते हैं. ठीक है, ठीक इसी तरह 7 to the power of इधर ऊपर 2x है, तो 7 to the power of x इंटू 7 to the power of x दो टाइम लिख सकते हैं, तो ठीक उसी तरह लिख लेंगे हम. तो दिस इक्वल्स LHS इक्वल्स 3 to the power of x प्लस ऑफ 7 to the power of x कॉमन है, तो यहाँ पर 3 to the power 2x हो जाएगा, 3 to the power of 2x हो जाएगा ये, माइनस 3 to the power of x इंटू 7 to the power of x प्लस ये 7 to the power of 2x बनेगा. ठीक है, ऊपर के निकाल देंगे, कंफ्यूज करेगा, डिवाइडेड बाय इसको हम ये हिसाब से अगर लिखा 3 to the power of x इंटू 3 to the power of x टू टाइम्स लिखा प्लस ऑफ यहाँ पर 3 to the power of x वन टाइम है और ये दो टाइम है, 6 into 7 to the power of x. ओके सॉरी, इधर हर एक 3 to the power of x हो गए और एक 7 to the power of x से लिखना है ना इधर. ठीक है, 3 to the power of 2x मीन्स ये दोनों हो गया और 7 to the power of x लिखा ही नहीं है, तो इधर फर्स्ट वे लिखा. ओके चलेगा ना, तो इसको क्या है 3 to the power of x एज वेल लिख गया, ये 7 to the power of 2x को 2 times 7 to the power of x इंटू 7 to the power of x दो टाइम लिख गया. ओके तो यहाँ पर देखो ये इक्वल्स ऊपर का 37/21 एज वेल है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, अभी 3 to the power of x प्लस 7 to the power of x एज वेल, और इधर और तोड़ के 3 to the power of x इंटू 3 to the power of x 3 to the power of 2x है एज वेल लिखा हमने, इधर जैसा लिखा है इसे, माइनस 3 to the power of x इंटू 7 to the power of x प्लस ऑफ ए बी 7 to the power of x इंटू 7 to the power of x दो टाइम लिख लो. ठीक है, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो 3 to the power of x और 7 to the power of x इसमें भी 3 to the power of x 7 to the power of x इसमें दे देखो दोनों है, तो ये दोनों कॉमन ले लो 3 to the power of x इंटू 7 to the power of x कॉमन लिया, तो अंदर क्या आ रहा है 3 to the power of x प्लस 7 to the power x अंदर बच रहा है. ठीक है, तो अभी आसानी से ये दोनों कट कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है इसलिए वो कट हो गया, तो दिस इक्वल्स अरे आगे तो 37/21 आगे और है, दिस इक्वल्स यहाँ पर इतना ही बचा, अभी एज वेल लिख लो ये 3 to the power of x इंटू 3 to the power of x डिवाइडेड बाय 3 to the power of x टू द पावर ऑफ 3 to the power of x एक इंडिविजुअल लिख लो अभी, नहीं तो इंडिविजुअल से पहले जो कट होने के बाद जो बचते वही लिखेंगे, 3 to the power of x इंटू 3 to the power of x माइनस 3 to the power of x इंटू 7 to the power of x प्लस 7 to the power of x टू टाइम्स है 7 to the power of x इंटू 7 to the power of x होल डिवाइडेड बाय 3 to the power of x इंटू 7 to the power of x इतना ही बच रहे हैं, दिस इक्वल्स 37/21. ओके तो अभी ये 3 to the power of x इंटू 7 to the power of x इन सबको डिवीजन करो डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा अभी 3 to the power of x इंटू 3 to the power of x डिवाइडेड बाय 3 to the power of x इंटू 7 to the power of x ये बन रहे माइनस
3 to the power of x into 7 to the power of x divided by 3 to the power of x into 7 to the power of x plus 7 to the power of x into 7 to the power of x divided by 3 to the power of x into 7 to the power of x. This equals 37 divided by 21. यहाँ पर देखिए 3 टू द पावर ऑफ एक्स यहाँ है दोनों कट हो जाएगा, बाकी ओनली 3 टू द पावर वन ही बचेगा डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर ऑफ एक्स बचेगा। यहाँ पर दोनों कट हो जाएगा 3 टू द पावर एक्स 3 टू द पावर ऑफ एक्स 7 टू द पावर ऑफ एक्स 7 टू द पावर ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पर खाली 1 बच रहा है 1/1, ठीक है 1/1 बच रहा है। इधर 7 टू द पावर ऑफ एक्स कट हो रहे एक 7 टू द पावर एक्स कट हो रहे एक इधर बच रहे इधर 3 टू द पावर ऑफ एक्स बच रहे, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए वो क्या है वो लिख लेंगे बच्चे सो 3 टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर ऑफ एक्स, ये बचा माइनस 1 बचा इधर, ओके प्लस ऑफ 7 टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर ऑफ एक्स। दिस इक्वल्स 37 डिवाइडेड बाय 21। ओके, तो हम इसे ए टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई बी टू द पावर ऑफ एक्स, तो क्या रहता है ए डिवाइडेड बाई बी होल टू द पावर ऑफ एक्स, ए टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई बी टू द पावर ऑफ एक्स रहा तो ए बाई बी टू द पावर एक्स। उस फॉर्म में लिख लो इधर ए बन रहे 3 टू द पावर ऑफ 7, 3 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर एक्स, ए बना 3 बाई 7 टू द पावर ऑफ एक्स माइनस 1 एज यूजुअल प्लस ऑफ ए क्या बन रहे इधर सेम वो अप्लाई किया तो 7 डिवाइडेड बाय 3 होल टू द पावर ऑफ एक्स, दिस इक्वल्स 37 डिवाइडेड बाय 21। ओके, तो हम यहाँ पर देखिए 7 टू द पावर ये तो 3 टू द पावर ऑफ एक्स है, इधर इसका रेसिप्रोकल है 7 बाय 3 है, इसको हम क्या करेंगे ये सब निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए 7 टू द पावर 7 बाय 3 है ना, इसको हम 3 टू द पावर 7 होल टू द पावर ऑफ एक्स एज वेल रख लो ए माइनस 1 एज वेल ए प्लस है ना, ये 7 बाई 3 को हम 3 बाई 7 किया तो क्या बन रहे ये रेसिप्रोकल हो गया तो ये इनवर्स बनेगा, ठीक है। ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है वो उसके हिसाब से किया ए बाय बी तो ए बाय बी बाय ए इनवर्स हो जाएगा, तो इनवर्स मतलब ही डिवाइडेड बाय नीचे कर लो अभी इक्वल्स 37 डिवाइडेड बाय 21। अभी इसको कैसे लिखते हैं अभी इनवर्स क्या लिखते हैं ए टू द पावर ऑफ माइनस एम इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय ए टू द पावर ऑफ एम लिख सकते हैं, तो ए टू द पावर ऑफ माइनस एम है समझ लीजिए इसको 1 डिवाइडेड बाय ए टू द पावर ऑफ एम के हिसाब से लिख दो तो ये बन रहे 3 टू द पावर ऑफ 7 होल टू द पावर ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर ऑफ 7 एक्स, ये माइनस एक्स है ओनली एक्स नहीं है माइनस एक्स है क्योंकि 7 बाई 3 एक्स टू द पावर एक्स है तो हम इसके हिसाब से लिखने के बाद 3 बाई 7 टू द पावर ऑफ माइनस एक्स बनेगा ना ये, ठीक है। तो दिस इक्वल्स या नीचे आने के बाद ये प्लस एक्स हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 21। तो हम अपने काम इजी करने के लिए 3 बाई 7 टू द पावर ऑफ एक्स इधर भी है 3 बाई 7 टू द पावर ऑफ एक्स इजी इधर भी है तो हम सब्स्टिट्यूट कर दो ये सब्स्टिट्यूट 3 डिवाइडेड बाई 7 होल टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम समझ लो तो तभी इधर क्या बन रहे 3 टू द पावर ऑफ एक्स एम एम मतलब एम टू द पावर ऑफ एम ही बन रहे खाती 3 टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 7 होल टू द पावर ऑफ एक्स 3 डिवाइडेड बाय 7 होल टू द पावर ऑफ मीन्स एम हम सब्स्टिट्यूट किया तो खाली एम आ जाएगा इधर इधर माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय एम आ जाएगा, ठीक है। दिस इक्वल्स 37 डिवाइडेड बाय 21 एक आगे का एज यूजुअल तो हम अगर इसमें एम कॉमन लिया तो इधर एम स्क्वायर बनेगा इधर इधर एम बन रहे तो इधर प्लस 1 बन रहे इधर 37 डिवाइडेड बाई 21 एज वेल रहेगा। ओके, अभी एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये क्या बन रहे 21 टाइम्स एम स्क्वेयर माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल्स टू एम टाइम्स
37, ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया। तो दोनों का ये 21 से तीनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 21m स्क्वायर माइनस 21m प्लस 21 इज इक्वल्स टू m टाइम्स 37, और 37m लिखो, 37 टाइम्स m। और ये 37m ये साइड में ला लो, लेफ्ट साइड में, तो ये क्या बन रहे, 21m स्क्वायर माइनस 21m माइनस 37m प्लस 21 इज इक्वल टू 0 बन रहे। ये पॉजिटिव 37 है, लेफ्ट साइड में लाया, नेगेटिव 37 हो गया। तो इसका आंसर क्या बन रहा है अभी, 21m स्क्वायर माइनस 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 दोनों माइनस में है, तो इसका मतलब 58m बनेगा ये, प्लस 21 इज इक्वल टू 0 बन रही है। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, 21m स्क्वायर माइनस 58m प्लस 21 मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से अगर किया तो ये क्या बनते, अभी 21 दो फैक्टर करना पड़ता है, तो ये 21 को 3 इंटू 7 कर दो, इसको भी अगर 3 इंटू 7 किया तो इसका इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 × 49। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव में लाया तो ये भी नेगेटिव, एक ही नेगेटिव रहा तो 58 बन रहे। देयर फॉर दिस इक्वल्स क्या बनता है, ये 21m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 49m प्लस 21 इज इक्वल्स 0। ओके, तो 49 9 माइनस 9m माइनस 49m मीन्स माइनस 58m ही बनता है, तो ये सेम है, ये सेम। दिस इक्वल्स इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 3 आएगा, 3m आएगा, और इसमें इसमें 7 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 3m अगर कॉमन लिया, 7m बच रहे हैं अंदर, माइनस 3 बच रखा है, 3 × 9। ओके, और यहाँ पर 7 अगर कॉमन लिया तो 7m इधर बच रहे, माइनस यहाँ पर भी 3 बच रहे, दिस इक्वल 0। तो हमें यहाँ पर और इधर 7m माइनस 3 दो कॉमन आया, तो दिस इक्वल्स 7m माइनस 3 इंटू 3m माइनस 7, दिस इक्वल 0 हो गया। यानी दो फैक्टर मिला में कौन सा, फर्स्ट वन इज 7m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये 3 है, दूसरा 3m माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर मिला। तो क्या कर दो इसको, इसको प्लस 3 कर दो, इधर भी प्लस 3 कर दो, तो ये दोनों कट हो जाएगा, 7m इज इक्वल टू प्लस 3 बनेगा। तो इधर 7 से कट करो, इधर 7 से डिवाइड करो, इधर 7 से डिवाइड करो, तभी ये दोनों कट हो जाएगा, तो m का वैल्यू बन रहा है इधर 3/7। ओके, फर्स्ट में, सेकंड में देखो, इसमें प्लस 7 कर दो, इसमें प्लस 7 कर दो, तो ये दोनों कट हो जाएगा, 3m इज इक्वल टू प्लस 7 बच रहा है, तो इसको डिवाइडेड बाई 3 कर दो, इसको डिवाइडेड बाई 3 कर दो, ये दोनों कट हो जाएगा, m इक्वल्स 7/3 बन रहा है इधर। ठीक है, तो m का वैल्यू एक मिला हमें 3/7, दूसरा मिला 7/3। ठीक है, लेकिन हम सब्सट्यूट किया है m वैल्यू 3/7 टू द पावर m, तो यहाँ पर आइए, अभी फर्स्ट वन क्या मिला, m इक्वल्स 3/7, दूसरा m इक्वल्स 7/3। ओके, m का वैल्यू सब्सट्यूट किया 3/7 टू द पावर x, ओके, 3/7 टू द पावर x, दिस इक्वल्स 3/7। 3/7 में तो इसको भी पावर 1 रख दो, तो बेसिस आर सेम, देन इक्वेट द इंडेक्स, तो ऑटोमेटिक x का वैल्यू यहाँ पर क्या बन रहा है, x इज इक्वल्स टू 1 बन रहा है। ठीक है, हाँ, इसमें देखो m इक्वल्स ये 3/7 टू द पावर x, दिस इक्वल्स 7/3। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स लिखेंगे,
a by b is equal to b by a whole to the power of minus 1. इसके हिसाब से अगर किया तो ये 3 टू द पावर ऑफ 7 होल टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 7 होल टू द पावर ऑफ माइनस 1 बनेगा, ठीक है। तो ये 3 ऊपर गया 7 नीचे आया, तो अभी ये क्या बन रहा है, इधर बेसिस सेम है इक्वेट साइन है, तो ये एक्सपोनेंट अगर इक्वल किया तो x इक्वल्स नेगेटिव 1 बन रहा है। तो x का वैल्यू क्या बन रहा है, हमारे पास x इक्वल्स 1 8 बन रहा है और x इक्वल्स नेगेटिव 1 बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे सब निकाल के, x इक्वल्स पॉजिटिव 1 एक आया और x इक्वल्स नेगेटिव 1, ये दोनों हमारे आंसर्स हैं 1 एंड नेगेटिव 1, दो आंसर, ओके। ये हमारे सॉल्यूशन our solution. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।